हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज हम लसोड़ा के फायदे के बारे में बात करेंगे। लसोड़ा का एक पेड़ होता है जो मध्यम आकार का होता है। इसे लसोड़ा, लमेड़ा, पौकर और गुंदा जैसे नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप इस पेड़ को किस नाम से जानते हैं यह जरूर बताएं। इसकी 2 से 3 प्रजातियां पाई जाती है। इसे गोल आकार वाले सुंदर सुपारे के समान फल लगते हैं जो बहुत स्वादिष्ट और मज़ेदार होते हैं। इसके कच्चे फलों का अचार बनाया जाता है और सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसकी लकड़ी बड़ी चिकनी और मजबूत होती है। पक्के लसोड़े बहुत मीठे होते हैं। इसके अंदर गोंद की समान चिकना मीठा रस होता है। ये फल दुबले पतले शरीर को मोटा बनाने में काफ़ी फायदेमंद होता है। लसोड़ा खाने से पेट और सीना नर्म बन जाता है और गले की खरखराहट और सूजन में फायदा होता है। दोस्तों, लसोड़ा औषधीय गुणों का भंडार होता है। सदियों से इसका आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। यह बुखार, दमा और सूखी खांसी तथा छाती के दर्द को दूर करता है और पेशाब की जलन मिटाता है। ये पेट में होने वाले कीड़े को दूर करता है और दर्द, कफ तथा चेचक में फायदा करता है। इसके पक्के फल स्वाद में मधुर और शीतल प्रकृति के होते हैं। इसको खाने से शरीर पुष्ट बनता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि लसोड़ा हमारी सेहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होता है। अगर दस्त की समस्या होती है तो लसोड़ा की छाल को पानी में घिसकर रोगी को पिलाने से दस्त से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा यह हैजा रोग होने पर भी लाभकारी होता है। हैजा में लसोड़ा की छाल को चने की दाल के साथ पीसकर रोगी को खिलाने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों, इसकी छाल को पानी में उबालकर इसका गरारा करने से गले के कई रोग ठीक होते हैं। अगर किसी की आवाज़ बैठ गई हो तो इसका गरारा करने से आवाज़ ठीक हो जाती है। इसके अलावा इसका कुल्ला करने से दांतों का दर्द ठीक होता है। इसके साथ ही मसूड़े स्वस्थ बनते हैं। दोस्तों, यह धातु रोग में बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए इसके पत्तों को लाकर रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दे। सुबह उठकर मच्छल छानकर इस पानी को पीने से धातु रोग नष्ट होता है और वीर्य की वृद्धि होती है तथा सभी विकार शांत होते हैं। दोस्तों, यह शरीर की शक्ति बढ़ाने में भी लाभकारी होता है। इसके लिए लसोड़ों को सुखा कर इसका चूर्ण बनाए। उस चूर्ण को चीनी की चाशनी में मिलाकर लड्डू बनाए। इस लड्डू का रोजाना सेवन करने से शरीर मजबूत बनता है, ताकतवर बनता है और कमजोरी मिटती है। इससे दुबला पतला शरीर भी मोटा बनता है। यदि शरीर में किसी भी वजह से सूजन आ गई हो तो यह सूजन को भी ठीक करता है। इसके लिए लसोड़े की छाल को पानी में घिसकर सूजन वाले स्थान पर लगाते रहने से सूजन बिखर जाती है। इसके अलावा दर्द से भी राहत मिलती है। दोस्तों, जिन लोगों को बार बार ज्वर आता हो इनके लिए भी लसोड़ा बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए लसोड़ा की छाल को पानी में उबालकर इसका काढ़ा 20 से 40 ml की मात्रा में सुबह शाम पीने से बुखार ठीक होता है और दोबारा नहीं होता। दोस्तों, इस जानकारी को अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।